अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बना रहे हैं भरे हुए करेले। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग को रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है ऑयल, चॉप्ड अनियन, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और मैंने लिया है एप्पल विनेगर। ये सारे स्पाइसेस इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट जाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बॉइल और श्रेड किया हुआ चिकन। ये हमने इसमें डाल देना है और इसको मिक्स करना है। और ये सारा काम हो रहा है मीडियम फ्लेम पे। भरे हुए करेले मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब इसमें जा रही है सोया सॉस। बस ये सारी चीज़ें इसमें डालनी है, इसको मिक्स करना है और फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें चाहिए होंगे करेले और ये मैंने छोटे साइज के लिए हैं, क्योंकि ये छोटे साइज में ही अच्छे लगते हैं। इसकी हमने साइड्स को इस तरह से उतार देना है और इसको हमने सैंडर्स से कट करना है। कट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर से गोदा निकालेंगे और इसमें होगी फिलिंग। कट हम इसको पूरा नहीं कर रहे, जस्ट हम हाफ कर रहे हैं। तो ये देखिए, आपने भी सेम इस तरह से ही करना है। और अब हमने लेना है एक स्पून और स्पून की बैक साइड को हमने यूज़ करना है। बहुत ही आपने इसको स्लोली स्लोली प्रेस करना है और ये सारा गोदा जो है ये बाहर आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आप इनको रोटी के साथ खा सकते हैं या नान के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसके साथ आप पुदीने की चटनी बनाएं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। भरे हुए करेले मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। क्या आपको भी पसंद है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको कैसी लगी है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अब बारी आती है इसमें फिलिंग करने की। इस तरह से हमने इसमें अपनी फिलिंग को ऐड कर देना है और इसको इस तरह से फिल करके धागे के साथ रोल कर देना है। इसी तरह से हमने सारे तैयार कर लेने हैं और इसको लो फ्लेम के ऊपर हमने पकाना है। अब मैंने एक पैन लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं और ये सारे करेले जो हैं इसमें डाल देंगे। फर्स्ट 5 मिनट्स हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और इसके बाद हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये देखिए, हमारे भरे हुए करेले रेडी हो चुके हैं। आप इसको रोटी के साथ या नान के साथ सर्व करें और इसके साथ पुदीने की चटनी को ज़रूर रखिएगा। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक मुझे दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। दोबारा फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।